एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह सेंटर टीईटी या स्टेट टीईटी की तैयारी से संबंधित है। जैसा कि आपको जानकारी है कि अगर आप सेंटर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर, इसी सिलेबस को ध्यान में रखकर हम जो है कक्षा 6 का एनसीईआरटी का इतिहास का पार्ट वाइज तैयारी प्रारंभ किए हैं। जैसा कि आप पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि पहला वीडियो का हमारा टॉपिक था एनसीईआरटी बुक हमारा अतीत पार्ट 1 कौन क्या कैसी और क्यों। लेकिन आज जो हम टॉपिक तैयार किए हुए हैं, आज जो हम ऑब्जेक्टिव तैयार किए हुए हैं, यह है एनसीईआरटी की कक्षा 6 का हमारा अतीत और पाठ नंबर 2 है जिसका नाम है प्रारंभिक मानव की खोज। प्रारंभिक मानव खोज के टॉपिक से आज हमारी तैयारी है और मुझे आशा है कि अगर आप इसको 2 बार कम से कम सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा आपको परीक्षा में कोई प्रश्न जो है नहीं आएगा। तो इसमें जो है आज जो पढ़ना है आपको हम टॉपिक वही बता देते हैं। इसमें हमने जो नोट्स तैयार किया हुआ है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। इस पाठ में पढ़ना है कि प्रारंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। दूसरा, प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तीसरा है, रहने के निर्धारण ये लोग कैसे करते थे, कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है। अगला है कि पाषाण औजारों का निर्माण, ये पाठ में हम जो हम लोग पढ़ेंगे कि पाषाण कालीन औजारों का निर्माण किस प्रकार होता था, कैसे औजारों का निर्माण होता था। अगला है, इसी काल में आग की भी खोज हुई है। दूसरा, इसी काल में भारी तेजी से जलवायु में परिवर्तन हुआ है और साथ ही शैल चित्रों का भी अध्ययन के बारे में इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो इसमें जो हम सबसे पहले जो है आपको बताते चलें कि इसमें जो है प्रश्न उत्तर हम तैयार नहीं किए हैं। इसमें आपका ऑनलाइन अप्रोच के माध्यम से हम क्वेश्चन आंसर एक ही में तैयार किए हुए हैं जिससे कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। प्रश्न आंसर तैयार करने में समय ज़्यादा लगता है जिससे एक पाठ का वीडियो कम से कम 1 घंटा का लगभग हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन अप्रोच के माध्यम से कम समय में ही पूरा पाठ समाप्त हो रहा है। तो समय बचाने के लिए ही हम ऐसा सिस्टम अपनाए हुए हैं, क्योंकि आप अगर सिर्फ 2 बार या 3 बार सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो जो है या टॉपिक आपको तैयारी हो जाएगा जिससे कि आप परीक्षा में कम से कम समय में तैयारी कर सकेंगे और आप यह परीक्षा पास कर सकेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और पाठ का नाम है, क्वेश्चन जो हम तैयार किए हुए हैं इस पाठ से वो इस प्रकार है कि 20 लाख साल पहले के मानव को आखेटक खाद्य संहारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 20 लाख साल पहले के मानव को आखेटक खाद्य संहारक कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाद्य संहारक या आखेटक किस समय के मानव कहा जाता है, जिसका आंसर होगा 20 लाख साल पहले के मानव को आखेटक या खाद्य संहारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आखेटक खाने के लिए जंगली जानवरों के शिकार करते थे। ध्यान दीजिएगा, आखेटक खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, साथ ही फल मूल दाने पौधे एवं पत्तियों का भी ये कलेक्शन करते थे जिसका प्रयोग ये खाना में करते थे। अगला क्वेश्चन है, आखेटक अपना हथियार पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों से बनाते थे। आखेटक जो थे मानव पाषाण काल के, वो अपने हथियार किससे बनाते थे, तो वो अपने हथियार जो पत्थर से, लकड़ी से और जो है हड्डियों से बनाया करते थे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। जैसा कि अब जानकारी है कि पाषाण काल में आज के जैसा उद्योग धंधे नहीं थे, लेकिन जिन स्थलों पर वह रहकर पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थल को उद्योग स्थल कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाषाण काल में उद्योग स्थल किसे कहा जाता है, तो हम लोग ऐसा अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है कि उस समय कलकारखाना चालू होगा, लेकिन नहीं, उद्योग स्थल से यहाँ तात्पर्य है पत्थरों का हथियार बनाना। अगला क्वेश्चन है, आखेटक पत्थर के हथियार बनाने के लिए पत्थर को तोड़ते थे।
ध्यान दीजिएगा, आखेटक पत्थर के हथियार बनाने के लिए पत्थर को तोड़ते थे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल भी कहते हैं। मतलब कि जिन, पुनः क्लियर हो गया आपको कि जिन स्थल पर बहुत समय से रहकर वहाँ उस समय के लोग पत्थर से या लकड़ी से वो लोग जो है हथियार बनाते थे, उस स्थल को उद्योग स्थल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहते थे। ध्यान दीजिएगा, आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग पाषाण काल के रहते थे। अगला क्वेश्चन है, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो इसका सही जवाब होगा कुरनूल गुफा में। ध्यान दीजिए, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग कितने साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव हुए। लगभग कितने साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव हुए, तो इसका सही जवाब है कि लगभग 12,000 साल पहले। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक बार पुनः सुन लीजिए कि लगभग कितने साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव हुए। इसका सही जवाब है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए, जिसके कारण गर्मी बढ़ गई और घास की उपज बढ़ गई। और घास की उपज बढ़ने से क्या हुआ कि घास पर निर्भर रहने वाले जीव, हरिण, बकरी या फिर बारहसिंगा, इन सबों की संख्या जो है बढ़ गई। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सुन लीजिए कि लगभग कितने साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव हुए, तो इसका सही जवाब है कि लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में भारी परिवर्तन हुआ और पहले की अपेक्षा कुछ गर्मियां जो हैं बढ़ गई, जिससे कि जो है घास के उपज में बढ़ोतरी हुई। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि पूरा पाषाण काल, ध्यान दीजिएगा, यह दो शब्दों पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, मतलब कि प्राचीन काल में पत्थर के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। सुन लीजिए, पूरा पाषाण काल मतलब क्या तात्पर्य है, यह तो इसका जवाब है कि पूरा पाषाण काल दो शब्दों यानी कि पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना हुआ। मतलब कि पूरा पाषाण काल से मतलब हुआ है कि उस समय का काल जो है पत्थर का जो है काल था, सब कुछ जो है पत्थर पर ही डिपेंड था। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल को समय क्या है, पूरा पाषाण काल का समय क्या है, तो सही जवाब है 20 लाख पहले से। सुन लीजिए, 20 लाख ईस्वी पहले से 12,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पुनः रिपीट करते हैं, 20 लाख ईस्वी पूर्व पहले से 12,000 ईस्वी पूर्व पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण को कितने भागों में बांटा गया है, तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। अब अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में हुई, तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी पूरा पाषाण काल में हुई, क्योंकि इसी समय बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए जो कि मानव को काफी विकास के पथ पर अग्रसर किए। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, उसको डायरेक्ट आप सुन लीजिए कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मुसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मुसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 से 10,000 साल पहले तक माना गया है। ध्यान दीजिएगा, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं और इसका समय 12,000 से 10,000 साल पहले को माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलीय, ध्यान दीजिएगा, इन्हें माइक्रोलीय यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है
कि 1000 सुन लीजिए 10000 ईस्वी पूर्व के बाद को नवपाषाण काल कहा जाता है। 10000 ईस्वी पूर्व के बाद को नवपाषाण काल कहा जाता है। और अंत में क्वेश्चन है कि जो है भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है और किताब में भी बॉक्स में दिया हुआ है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने, ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे पर छिलके पर क्या है चित्रांकन भी मिलते हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। और अंततः क्वेश्चन है कि अधिकांशतः जो औजार बनाए जाते थे पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के अधिकांशतः जो है औजार बनाए जाते थे वह जो है चूना पत्थर के होते थे। इसी के साथ जो है ये NCERT हमारा अतीत कक्षा 6 का द्वितीय अध्याय समाप्त हो रहा है। और इसमें किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का सुधार किया जाए, निश्चित कि आपको विद्यार्थी को अधिक से अधिक लाभ हो। और अन्य अगले वीडियो में आपको और सारी जानकारी देंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और बताना चाहते हैं कि यह चैनल नया है, अतः अपने मित्रों के बीच इसे शेयर अवश्य करें एवं लाइक के साथ साथ इसके सब्सक्राइब करें, जिससे कि एजुकेशन संबंधित सभी जानकारी आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाए। तब तक के लिए ये धन्यवाद।